पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार हैं, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रूप से जो स्थल में पाए जाने वाले, जल में पाए जाने वाले जो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र हैं, इन विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हमने स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम देखते हैं घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र। घास के मैदान पारितंत्र में, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों पर पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, रूस, तो इन क्षेत्रों पर पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं, इन क्षेत्रों पर बहुत अधिक घास पाई जाती है। इसमें यहाँ पर जो वर्षा होती है 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा पाया जाता है। यहाँ बहुत अधिक ह्यूमस पाया जाता है, तो इस मानव निर्मित पारितंत्र में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति लकड़ी के रूप में, कपड़ों के रूप में, दवाओं के रूप में प्राप्त करने के लिए जितनी भी आवश्यक रूप से पादपों में जो आवश्यकताएं होंगी या उन पौधों को अधिक से अधिक ये उत्पादन करने वाले पादपों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह इसमें जो इस प्रकार के पौधों का चयन करते हैं जो रोग रहित हों या रोगों से लड़ने की क्षमता, रेजिस्टेंट पावर उनमें अधिक हो, साथ ही ये विभिन्न वातावरण में जीवित रह सकें। तो इस तरह से ये एक प्रकार से ऐसे पौधों का चयन करते हैं जिससे उनको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, जैसे कि गेहूं, चना, जौ, अरहर, ज्वार, इन पादपों का उपयोग ये अधिक से अधिक पादप उत्पादनों के लिए कृत्रिम पारितंत्र के द्वारा करते हैं। तो इस कृत्रिम पारितंत्र में जो आवश्यक पदार्थ हैं, अजैव घटक हैं, ये मुख्य रूप से पौधे अपने आसपास के वातावरण से पूर्ण करते ही हैं, लेकिन अगर उनकी और आवश्यकता है तो इनको कृत्रिम रूप से इन्हें दवाओं के रूप में या खादों के रूप में पादपों में दिया जाता है। तो मुख्य रूप से इनमें जो अजैव घटक के रूप में और अतिरिक्त रूप से दिए जाने वाले जो तत्व हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, आयोडीन, ये एक कृत्रिम रूप से पादपों में इन तत्वों की अगर कमी है तो ये कृत्रिम रूप से पादपों में दिए जाते हैं। तो इस तरह से खनिज पोषण के द्वारा या खनिज तत्वों के माध्यम से पौधों की ग्रोथ या वृद्धि के लिए या उनसे रोगों से लड़ने के लिए इस प्रकार से उनमें पादपों में तत्वों को दिया जाता है। तो हम कृत्रिम रूप से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं या एक प्रकार से जो पारिस्थितिक तंत्र प्राप्त देखते हैं जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैसे ही जीवों का चयन करते हैं जिससे उनको अधिक से अधिक फायदा या उत्पादन अधिक हो। तो इसमें जैव रूप से मुख्य रूप से जो जैविक घटक और अजैव घटक, मुख्य घटक मानव निर्मित पारितंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से जो घटक हैं अजैव घटक और जैव घटक। अजैव घटक में वे सभी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ
खनिज तत्व, और जलवायु। ये अकार्बनिक घटक जीवों के उत्पादन के लिए आवश्यक घटक होते हैं। ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकाश संश्लेषण के समय इन आवश्यक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये अपने कोशिकाओं के अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में संग्रहित कर लेते हैं और इस तरह से ये पादप अपने जैविक क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। अजैव घटक के रूप में मुख्य रूप से और इसके अतिरिक्त पादपों को हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, ये अन्य तत्वों की आवश्यकता जो पादपों में उनकी कमियों को पूर्ति करने के लिए विशेष रूप से उर्वरकों के रूप में या खादों के रूप में पौधों को दिए जाते हैं। इस तरह से ये अजैव घटक सामान्य रूप से कार्बनिक अकार्बनिक तत्व होंगे, खनिज तत्व होंगे और अन्य अतिरिक्त पौधों की वृद्धि विकास के लिए अन्य खनिज पोषण के माध्यम से उनको खनिज तत्वों के रूप में, उर्वरकों के रूप में, दवाइयों के रूप में दिए जाते हैं। जैव घटक के अंतर्गत इसमें प्राथमिक मुख्य रूप से उत्पादक, तो जिस प्रकार के पादप कृत्रिम रूप में लिए गए जो पौधे हैं उत्पादक, जैसे कि धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, तो इन उत्पादों को के लिए जौ, गेहूं, बाजरा, चावल, विभिन्न प्रकार के अनाजों पादपों को लिया जाता है जो उत्पादक हैं, जिससे हमको उत्पादन प्राप्त करना है, तो उन फसलों को लेकर पारिस्थितिक तंत्र में खेतों पर उगाया जाता है जिससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। ये प्राथमिक रूप से उत्पादक होंगे। इन उत्पादकों खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता के अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता फसल के दौरान प्राथमिक उपभोक्ता वहां पाए जाने वाली फसलों की खेत में टिड्डे, कीड़े, सर्प, शशक हो सकते हैं और ये शाकाहारी होते हैं जो प्राथमिक रूप से पादपों को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। टिड्डे, कीड़े, शशक, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो सकते हैं जो कि फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं या फसलों को खाते हैं। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता के बाद आता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में वे जीव आएंगे जो इन प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत टिड्डे, कीड़े हैं, इनको खाने वाले जो जीव होंगे मेंढक, सर्प, ये द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। तो द्वितीयक उपभोक्ता जिसके अंतर्गत शाकाहारी को खाने वाले जीव जो मांसाहारी होते हैं ये द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो ये भी फसल क्षेत्र में या फसल के पारितंत्र में देखने को मिलता है। तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जिसमें अंतिम उत्पाद बनने के बाद जीवों के द्वारा
उत्पादन को खा सकते हैं या ले सकते हैं, या अन्य इन जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले दूसरे जीव उस पारितंत्र में उपस्थित होंगे, जैसे मेंढक को खाने वाला सर्प, सर्प को खाने वाला मोर हो सकता है। तो इस तरह से तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में मोर हो सकते हैं, और अंतिम सर्वश्रेष्ठ जो उत्पादन जो प्राप्त होते हैं उन उत्पादों को खाने वाला उपभोक्ता की श्रेणी में मनुष्य स्वयं हो सकता है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है, किसी के द्वारा नहीं खाया जाता। ये अंतिम उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता भी हो सकता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्योंकि ये सीधे पौधों से ही जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए प्राथमिक और सर्वोच्च उपभोक्ता भी हो सकते हैं। तो इस तरह से सूर्य से आने वाली प्रकाश, इन प्रकाश का उपयोग पादप के द्वारा ग्रहण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। इस भोजन को करने वाले जो दूसरे श्रेणी के अंतर्गत द्वितीयक प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता खाने वाले जीव होंगे तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से भोज पदार्थों का स्थानांतरण पादप से लेकर उपभोक्ताओं तक हो जाता है, और अंतिम जीव जो है अपघटक, जो कि सभी जीवों के मृत्यु के बाद अपघटकों के द्वारा अपघटित कर लिए जाते हैं, इसमें जीवाणु, कवक और एक्टिनोमाइसिटिस के जीवाणु जीव आते हैं। एक्टिनोमाइसिटिस जो कि सूक्ष्म जीवाणु हैं जो अपघटन करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह से हम मानव निर्मित पारितंत्र में जिसके अंतर्गत जैव घटक अजैव घटक से मिलकर बना हुआ एक पारितंत्र को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जीव मंडल। तो सभी पारिस्थितिक तंत्र जो कि प्राकृतिक में और मानव निर्मित सभी पारितंत्र मिलकर बनाते हैं जीव। जीवमंडल में जीवमंडल स्वयं एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और ये वायुमंडल से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अजैव घटकों को उपयोग में लेते हैं। तो जीवमंडल मुख्य रूप से सभी पारितंत्र, चाहे वह कृत्रिम पारितंत्र हो, चाहे स्थलीय पारिस्थितिक हो, जल पारिस्थितिक तंत्र हो या वन पारिस्थितिक तंत्र, ये सभी मिलकर एक जैव मंडल का निर्माण करते हैं। सभी आवास स्थान पर पाए जाने वाले समस्त जीवों का समूह जीव मंडल का निर्माण करता है। तो इस तरह से सभी पूरे प्रकृति में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र को मिलाकर बनता है जीव मंडल, या सभी पारिस्थितिक तंत्र मिलकर बनाते हैं जीव मंडल, या जीवोम कहलाता है। जीव मंडल को ही हम क्या कहते हैं, जीवोम, जिसमें विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीव, समस्त जीव आते हैं। जीव मंडल मुख्य रूप से दो भाग, तीन भाग है, जल मंडल
दूसरा है स्थल मंडल और तीसरा है वायुमंडल। जलमंडल वह क्षेत्र जहाँ पर जल पाए जाते हैं, वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र अलग होती है स्थलों से। तो एक अलग अलग आवासीय स्थानों पर पाए जाने वाले जीवों की जातियाँ भी अलग होती हैं, वहाँ का एक पारिस्थितिक तंत्र अलग होता है। तो समस्त जलमंडल जहाँ पर ऐसा वास क्षेत्र जहाँ जल पाया जाता है, वहाँ के जीव जंतु जलमंडल का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल वह स्थल मंडल वह भाग है जहाँ पर स्थलीय भूभाग चट्टान भूमि पहाड़ पर पाए जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। वायुमंडल वह मंडल है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। इस वायुमंडल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और अल्प मात्रा में और अन्य गैस हैं। जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन 20.94 ये ऑक्सीजन होता है। इसी तरह 78.084 ये नाइट्रोजन होता है। हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन की मात्रा 0.314 प्रतिशत और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन की मात्रा है 0.0005% ये है हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है और उसके बाद ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी अन्य जो गैसें हैं ये अल्प मात्रा में होती हैं। तो इस तरह से वायुमंडल जिसमें विभिन्न गैसों का समूह जिसके विभिन्न गैस हैं और यहाँ पाए जाने वाली जो सूक्ष्म जीव हैं उड़ने वाली पक्षियाँ होती हैं। तो इस तरह से हम वायुमंडल को तीन क्षेत्र में बांटते हैं, स्थल मंडल जल मंडल और वायुमंडल। इसमें आगे हम देखते हैं जो मंडल की में ऊर्जा का प्रवाह, जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह। जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह प्रत्येक जीव अपनी जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा की प्राप्ति करता है और ये ऊर्जा उन्हें भोज्य पदार्थों से मिलते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और ये भोज्य पदार्थ जीवों में एक जीव से दूसरे जीवों में पहुंचते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा ये एक जीव से दूसरे जीवों में स्थानांतरित होते रहता है और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण जो सौर ऊर्जा से आने वाली ऊर्जा है ये सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है और यही कार्बोहाइड्रेट जीवों के जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस तरह से इसमें सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा का पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्रिया करते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग करते हैं। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा केवल 2% ही पौधे इसका अवशोषण कर पाते हैं, बाकी प्रकाश अन्य कार्यों में अन्य क्षेत्रों में मुक्त हो जाता है। तो वायुमंडल को गर्म करने के लिए और
भूगर्भ को गर्म करते हैं। वायुमंडल दूसरे क्षेत्रों पर जो अतिरिक्त ऊर्जा है ये वायुमंडल को गर्म करती है और कुछ ऊर्जा भूमि को गर्म करती है, भूमि को गर्म करने में उपयोग होता है। इसमें से केवल 2% भाग ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग करते हैं और ये रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद इन पौधों में संचित ऊर्जा अपने जैविक कार्यों में खर्च कर देते हैं। जैविक ऊर्जा और अनुपयुक्त ऊर्जा 90% भाग अन्य कार्यों में उपयोग कर लिया जाता है। कुछ ऊर्जा अनुपयुक्त होता है जो ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाती है और कुछ ऊर्जा पौधे अपने जैविक कार्य में खर्च करते हैं। तो इनमें से 90% भाग 90% जैविक कार्य और अनुपयुक्त ऊर्जा में खर्च होता है। केवल 10% भाग जो पौधों में संचित ऊर्जा है, संचित ऊर्जा ये अगले पोषक स्तर को मिलता है। ये संचित ऊर्जा दूसरे पोषक के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता को प्राप्त होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। इसी तरह ये प्राथमिक उपभोक्ता 10% का 90% भाग अपने जैविक कार्यों में खर्च करता है और कुछ ऊर्जा अनुपयुक्त रूप से बाहर निकल जाती है। जैविक कार्य में खर्च 90% भाग और 10% संचित ऊर्जा उत्पादकों में बचा रहता है। ये ऊर्जा द्वितीयक उपभोक्ता को मिलता है। इसी तरह द्वितीयक उपभोक्ता भी अपने जैविक कार्यों के लिए 90% खर्च करते हैं और 10% शेष इनके पास बचता है। जैविक कार्य और अनुपयुक्त ऊर्जा के रूप में 90% बाहर निकलता है। 10% संचित ऊर्जा तृतीयक उपभोक्ता को मिलता है। इस तरह से प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक स्तर से दूसरे पोषक स्तरों में पौधे से उपभोक्ताओं की ओर क्रमशः ये ऊर्जा स्थानांतरित होते जाते हैं, जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होने के साथ साथ ऊर्जा में कमी होता और जो शेष बचते हैं ये ऊर्जा जीवों में संचित ऊर्जा के रूप में कोयला के रूप में या जैविक उनके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित रहते हैं। जब इन जीवों का मृत्यु होता है या इनको जलाया जाता है तो इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से प्रत्येक ऊर्जा स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही जीवों में स्थानांतरित होते जाता है। तो इस प्रकार ऊर्जा का जो प्रवाह है ये 10% का नियम कहलाता है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश में केवल 2% को ही पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग करते हैं और बाकी जो प्रतिशत शेष ऊर्जा है ये वायुमंडल को गर्म करने में और भूमि को गर्म करने में उपयोग होता है और बाकी 2% का ही जो संश्लेषित प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदला है वह पौधे से उपभोक्ता में पहुंचता है और उपभोक्ता अंतिम जब अपघटक के रूप के द्वारा अपघटित कर लिए जाते हैं तो ऊर्जा वायुमंडल में या उनके जलन से ऊर्जा जो प्राप्त होती है मुक्त होती है।
तो इस तरह से ऊर्जा का हांस प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर क्रमशः होते जाता है। इसमें ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होते हैं। ये था जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह। इस तरह देखते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, जिसमें खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें भोज्य पदार्थ उत्पादक से उपभोक्ता तक ये क्रमशः ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न जीव जितने उत्पादक के समीप होंगे ऊर्जा उसको अधिक मिलेगा। जैसे हम देखते हैं पादप पौधे भोजन का निर्माण करने के बाद शाकाहारी जीवों के द्वारा जैसे कि टिड्डे के द्वारा ग्रहण कर लिया गया, टिड्डे से मेंढक, मेंढक को खाने वाला अगला पोषक है सर्प, सर्प को खाने वाला मोर। तो इसमें पौधे से पोषक स्तर से ये प्राथमिक पोषक स्तर है जिसमें भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। ये भोज्य पदार्थ टिड्डे, मेंढक, सर्प और मोर से होता हुआ ऊर्जा पहुंचती है। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन किए हैं। इसके बाद ये सभी जो पारिस्थितिक तंत्र है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र, पहाड़ी पारिस्थितिक तंत्र, ये सब प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं। इसी तरह प्रकृति में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र के अलावा ऐसे पारितंत्र जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ति करता है वह मानव निर्मित पारितंत्र कहलाता है या कृत्रिम पारितंत्र कहलाता है। तो इस तरह से मानव निर्मित पारितंत्र है, ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण करने के लिए करते हैं और ये अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उन्हीं पादपों का उपयोग करते हैं जो इनसे उत्पादन प्राप्त हो। जो आवश्यक उत्पादन है उन आवश्यक उत्पादनों में पाए जाने वाली जो विभिन्न जातियों के पादप हैं, उन्नत फसल उत्पादन प्राप्त करने वाले, रोगों से रहित ऐसे प्लांटों का ये चयन करते या अधिक से अधिक हमें आर्थिक प्राप्त हो ऐसे पादपों का उपयोग कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत किया जाता है। खाद्य श्रृंखला जिसमें उत्पादक से उपभोक्ता तक भोज्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है और ये क्रमबद्ध होता है। पौधे को खाने वाले शाकाहारी पौधे जीव होंगे जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले दूसरे जो जीव होंगे मांसाहारी मेंढक, इसी तरह मेंढक को खाने वाला तृतीय उपभोक्ता होगा सर्प, सर्प को खाने वाला चतुर्थ उपभोक्ता हो सकता है मोर। ये इसमें उत्पादक से उपभोक्ता तक भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण क्रमशः होते रहता है, इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उत्पादक से उपभोक्ता तक ऊर्जा का स्थानांतरण क्रमशः होता है, उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में मुख्य रूप से तीन प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, परभक्षी खाद्य श्रृंखला,
तीन प्रकार के हैं परभक्षी खाद्य श्रृंखला। इसके अंतर्गत परभक्षी खाद्य श्रृंखला में जिसमें पौधे से शुरू होकर क्रमशः बड़े जंतुओं की ओर बढ़ती, पौधे से शुरू होकर क्रमशः बड़े जंतु होते हैं, जैसे कि घास में देखेंगे, घास छोटा पादप है, इनको खाने वाले दूसरे जीव जो होंगे बड़े जीव होंगे, इससे हो सकता है बड़ा जीव। तो खाद्य श्रृंखला परभक्षी के अंतर्गत वे जीव आएंगे जो छोटे से बड़े होंगे। इसके अंतर्गत खाद्य श्रृंखला हो सकती है घास, घास को खाने वाले हैं टिड्डे, टिड्डे को खाने वाला मेंढक, मेंढक को खाने वाला सर्प। तो इसमें परभक्षी खाद्य श्रृंखला में छोटे घास हैं और इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में टिड्डे, फिर मेंढक, फिर सर्प, ये छोटे से बड़े जीव इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह परभक्षी के बाद परजीवी खाद्य श्रृंखला जिसमें बड़े से छोटे होंगे, परजीवी खाद्य श्रृंखला। बड़े से छोटे श्रृंखला आते हैं इसमें, जिसके अंतर्गत जैसे एक पेड़, पेड़ के एक पारिस्थितिक तंत्र में देखें, पेड़ पर निर्भर रहने वाले चिड़िया और चिड़िया पर विभिन्न प्रकार की परजीवी जो पाए जाते हैं, परजीवी जीव, सूक्ष्म जीव, पिस्सू जिसको कह सकते हैं। इस तरह से परजीवी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत बड़े जीव होंगे और बड़े जीव से पर आधारित होंगी चिड़िया, छोटे जीव, फिर उससे चिड़िया पर आधारित है सूक्ष्म जीव। ये दूसरा परजीवी खाद्य श्रृंखला है और इसी तरह मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। मृतोपजीवी के अंतर्गत जीवों की मृत होने के बाद यहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी जीव, इनको खाने वाले जीव, जीव शरीर के मृत हो जाने के बाद खाने मृत शरीर, इनको खाने वाले बाज हैं, जो खाने वाले मोर, बाज, मोर, ये मृत, सॉरी, बाज एक मृत शरीर को खाने वाले जो जीव होंगे, मृतों को खाने वाले, वो कहलाएंगे मृतोपजीवी। मृत शरीर, मान लो किसी जंतु का मृत शरीर मृत हो जाता है तो इनको खाने वाले जीव हो सकते हैं, जैसे कि बाज। तो ये शाकाहारी जंतु। खाद्य श्रृंखला तीन प्रकार से, परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला और मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। तो परभक्षी छोटे से बड़े, जैसे कि हम देखते हैं घास, घास छोटा पौधा है, इससे इस पर आधारित आश्रित हो रहने वाले, इनको खाने वाले जो जीव हैं टिड्डे, मेंढक, सर्प, तो छोटे से बड़े की ओर खाद्य श्रृंखला के जीव होंगे। इसी तरह परजीवी खाद्य श्रृंखला में, परजीवी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत बड़े जीव से लेकर छोटे जीव, बड़े जीव खाद्य श्रृंखला में होंगे और बड़े से छोटे पर होंगे। इसी तरह मृतोपजीवी में मृत शरीर को खाने वाले दूसरे जीव जीव हैं, वो कहलाएंगे मृतोपजीवी। तीसरा, खाद्य श्रृंखला तीन प्रकार के होते हैं, परभक्षी, परजीवी और मृतोपजीवी।
खाद जाल। खाद जाल के अंतर्गत आहार श्रृंखला एक क्रमशः ना होकर कई श्रृंखलाओं से आपस में जुड़ जाते हैं। एक प्रकार से इनमें जाल का निर्माण होता है, वह कहलाता है खाद्य जाल। कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर जाल का निर्माण करते हैं, खाद्य जाल कहलाते हैं। जैसे कि उत्पादक के रूप में पौधे, प्राथमिक उत्पादक पौधे ही होंगे। पौधे को खाने वाले बहुत से जीव जैसे कि गाय और पौधे को खाने वाले दूसरे जीव हैं टिड्डे, इनको खाने वाली और दूसरे जीव हैं चिड़िया। ये एक प्रकार से ये प्राथमिक उपभोक्ता। गाय को खाने वाला जीव हो सकता है सियार को खाने वाला जीव होगा शेर। टिड्डे को खाने वाले जीव होंगे मेंढक को खाने वाला जीव होगा सर्प। चिड़िया को खाने वाले जीव हो सकते हैं सर्प। सर्प को खाने वाला हो सकता है मोर। इसी तरह मोर को खाने वाला जीव होगा सियार और सियार को खाने वाला मोर। तो यहां पर हम तीन श्रृंखलाएं आपस में जोड़ रहे हैं। पौधे को खाने वाला गाय है, गाय को खाने वाला सियार, सियार को खाने वाला शेर, एक खाद्य श्रृंखला बना। इसी तरह पौधे को खाने वाले दूसरा खाद्य श्रृंखला हो गया टिड्डा, टिड्डा को खाने वाले जीव हैं मेंढक को खाने वाले जीव हैं सर्प, सर्प को खाने वाला है मोर। मोर को खाया जा रहा है सियार के द्वारा और सियार को खाने वाला है शेर। तो इस तरह से दो श्रृंखलाएं यहाँ पर सियार के साथ जुड़ गया, मोर और सियार एक दूसरे खाद्य श्रृंखला के जीवों से जाकर जुड़ गए। तो स्वयं खाद्य श्रृंखला सियार को अगर गाय नहीं मिलता तो दूसरे जीव का भक्षण कर लेते हैं। तो ये नहीं कि एक खाद्य श्रृंखला में केवल एक ही जीव पर आधारित हो, वो कई किसी भी श्रृंखला से जीवों का भक्षण करते हैं और इस तरह से आहार श्रृंखला क्रमबद्ध ना होकर अनियमित स्थिति बन जाती है जिससे जाल का निर्माण होता है। इसी तरह पौधे को खाने वाली चिड़िया, पौधे से उत्पाद जितने भी चिड़िया है, चिड़िया को खाने वाला सर्प, सर्प को खाने वाला मोर। तो इसमें बहुत सी आहार श्रृंखलाएं ये देखने को मिलता है। इसी तरह सर्प को नेवला जीव है जो सर्प के द्वारा खा लिया जाएगा, सर्प को मोर, मोर को सियार और इस तरह से शेर। तो कई श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर ये खाद्य जाल का निर्माण कर सकते हैं। किसी एक श्रृंखला पर यह आश्रित नहीं रहते जीव, दूसरे श्रृंखला से भी अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से ये जो खाद्य श्रृंखला है ये अनियमित होता है और ये व्यवहार में उपयोगी है कि एक ही श्रृंखला पर निर्भर नहीं रहते, किसी भी आहार श्रृंखला से वे भोजन की प्राप्ति करते हैं। लेकिन खाद्य श्रृंखलाएं एक अव्यवहारिक है, वह हमेशा एक की श्रृंखला से नहीं जुड़ा रह सकता, निश्चित तौर पर किसी न किसी आहार श्रृंखला से जुड़कर अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं एक ही क्रमशः होगा, एक के बाद एक उत्पादक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक और चतुर्थ उपभोक्ता, जिसको किसी के द्वारा नहीं खाया जाए। लेकिन खाद्य जाल में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर भोज पोषण प्राप्त करते हैं और इस तरह से ये अनियमित होती हैं
और ये इनका जो प्रवाह, ऊर्जा का जो प्रवाह है, ये अनियमित होता है। आगे हम देखते हैं इसमें खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल के बाद है पारिस्थितिक शंकु। पारिस्थितिक शंकु में जीव का ऊर्जाओं का स्थानांतरण पोषक स्तर से उपभोक्ताओं का क्रमशः स्थानांतरण होता है, जिसको हम चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह चित्र एक शंकु की आकृति प्राप्त होता है, जिसे हम पारिस्थितिक शंकु कहते हैं। उत्पादक से उपभोक्ताओं का ऊर्जा का स्थानांतरण जो पोषक स्तर है, ये पोषक स्तरों को दर्शाने के लिए पारिस्थितिक शंकु या पिरामिड प्राप्त होता है। तो पारिस्थितिक शंकु जिसमें पोषक या ऊर्जा स्तरों के को ग्राफ के रूप में निरूपित करना पारिस्थितिक शंकु कहलाता है। और ये पारिस्थितिक शंकु की आकृति के प्राप्त होते हैं, इसलिए ये पारिस्थितिक शंकु है। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादक जो कि हरे पादप होते हैं, पौधे उत्पादक होते हैं जो कि हमेशा आधार में होंगे। इनको खाने वाले जो दूसरे जीव होंगे, आधार का क्षेत्र चौड़ा होगा और जिसमें ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होगी। उत्पादक से उपभोक्ता की क्रमशः ऊर्जा का स्थानांतरण को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना पारिस्थितिक शंकु कहलाता है। उत्पादक से उपभोक्ता जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता आते हैं, ये इसमें ऊर्जा की मात्रा कम होगी। तो प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता। तो ये विभिन्न ऊर्जा स्तर के को एक साथ ग्राफ के रूप में निरूपित करना जिसकी आकृति प्राप्त होती है शंकु के आकार का, इसलिए ये कहलाता है पारिस्थितिक शंकु। उत्पादक से उपभोक्ता को ग्राफ के रूप में निरूपित करते हैं, जिसकी आकृति शंकु के रूप में प्राप्त होती है, वह कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, पारिस्थितिक शंकु, तीन प्रकार के हैं ऊर्जा का पिरामिड या ऊर्जा का शंकु। शंकु मतलब है पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड दूसरा है, जीवभार का पिरामिड और तीसरा है जीव संख्या का पिरामिड। सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड, जिसमें ऊर्जा स्तर सौर ऊर्जा का उपयोग करके पौधे भोजन का निर्माण करते हैं और जो संचित ऊर्जा है ये उपभोक्ताओं में क्रमशः स्थानांतरित होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो सूर्य से आने वाली जितनी प्रकाश है ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं और सबसे पहले ऊर्जा पौधे ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जो ऊर्जा का पिरामिड है हमेशा सीधा प्राप्त होगा, ऊर्जा उत्पादक से उपभोक्ता के क्रमशः स्थानांतरित होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता।
जीव संख्या जीव भार का पिरामिड। जीव भार के पिरामिड में अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के भार के आधार पर पिरामिड बनते हैं, उसे जीव भार का पिरामिड कहते हैं। जैसे घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में देखते हैं तो घास पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा का पिरामिड व उल्टा बनेगा। जीव भार के आधार पर जीव भार के पिरामिड में घास के मैदान अधिक है तो या और यहाँ पर आधारित जो जीव हैं इनके भार पर निर्भर करता है। घास के मैदान में घास को खाने वाले दूसरे जो जीव हैं प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में गाय, गाय को खाने वाला सियार, सियार को खाने वाला शेर। इनके जीव भार घास के भार अधिक कम है गाय की अपेक्षा, इसी तरह गाय का भार कम होगा सियार के अपेक्षा, सियार को खाने वाले दूसरे जीव होंगे शेर। तो ये जीव घास पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या जीव भारों की संख्या के आधार पर हम देख सकते हैं। इसमें गाय और शेर के अलावा और दूसरे भी जीव लिख सकते हैं, जैसे गाय घास को खाने वाले टिड्डे, टिड्डे को खाने वाला होगा इनकी संख्या कम होगी, सर्प, सर्प को खाने वाला होगा मोर। तो जीव भार के आधार पर इनकी भार सबसे कम घास का होगा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक सर्प, फिर उससे अधिक मोर। तो ये जीव भार के आधार पर उल्टा पिरामिड बन सकते हैं घास पारिस्थितिक तंत्र। इसी तरह जीव भार के आधार पर वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में देखेंगे तो वृक्ष में वृक्ष का भार सबसे अधिक है, एक वृक्ष पारितंत्र में देखें वृक्ष का भार अधिक है, इसका इस पर निर्भर रहने वाली चिड़ियों की भार कम है, चिड़िया और इस पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। तो उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जैसे जैसे जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता में, इस क्रम में इनकी जीव भार कम होते जाता है, इसलिए एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनेगा। तो जीव भार का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों तरह से बन सकते हैं। और जीव संख्या के पिरामिड में जीवों की संख्या के आधार पर संख्या जिसकी ज्यादा है वह ज्यादा बनेगा, जैसे वन पारिस्थितिक तंत्र वन पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत वन वहां के प्राथमिक उत्पादक होंगे, यहां पर पाए जाने वाले जीव ससक फिर सियार, सियार को खाने वाला शेर। जीव संख्या का पिरामिड संख्या वनों की संख्या ज्यादा है और वहां पाए जाने वाले शशकों की संख्या कम है, उससे और कम होगा सियार और उससे कम है शेर। तो इस तरह जीव संख्या के भार के आधार पर संख्या के आधार पर भी उल्टा और सीधा दोनों पारिस्थितिक तंत्र हो सकते हैं। ऊर्जा पिरामिड मुख्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और जीव संख्या का पिरामिड तीन प्रकार के पिरामिड होते हैं जिसमें पोषक स्तरों को दर्शाया गया है। धन्यवाद।